कार्बन साइकल फ कॉन्टेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कार्बन राइजर वायर दैन कार्बन सोर्स इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट दैन कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड कार्बन इन फोसल ट्यूल्स तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन साइकिल को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कार्बन की इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं कि अगर ये इकोसिस्टम के अंदर एक जो साइकिलिक वे में या कार्बन साइकिल जो चलता है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है तो अगर हम कार्बन की बात करें तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ बायो मालिक्यूल्स तमाम लिविंग ऑर्गेनज बायो मालिक्यूल्स से बने हुए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स एंड द न्यूक्लिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है इसके अलावा वाइटामिनस हैं जितने भी बायो मालिक्यूल्स हैं उन सब की जो बैकबोन है यानी जो उसका मेन स्केलेटन जो है स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन पर बेस करता है तो इट मीनस एज अगर हम इसको देखें जितना ही इम्पॉर्टेंट्स हमारे पास या वो कार्बन है या बायो मालिक्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं तो बायो मालिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायो मालिक्यूल्स के बगैर नामुकम्मल हैं या नहीं सर्वाइव एग्जिस्ट कर सकते तो इसी तरह से बायो मालिक्यूल्स कार्बन के बगैर जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते जो कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन पर डिपेंड करता है तो अब कार्बन की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं एक तो ये है कि ये बहुत रिएक्टिव नहीं है दूसरा यह है कि इट इज़ हैव एबिलिटी इट इज़ वेरी स्टेबल माल यह आइटम इसका माल अगर हम देखेंगे स्टेबल है इसके साथ साथ इट हैव एबिलिटी टू बाइंड विद फोर अदर आइटम्स तो फोर इसकी वैलेंसी फोर होती है जिसकी वजह से फोर अदर आइटम के साथ ये बाइंड कर सकती है जैसे मुकाबले अगर हम हाइड्रोजन को देखें हाइड्रोजन के पास एक आइटम के साथ बाइंड करने की कैपेबिलिटी है ऑक्सीजन के पास दो की के साथ बाइंड करने की है नाइट्रोजन तीन के साथ बाइंड कर सकती है तो कार्बन जो है इसकी वैलेंसी जो है वो मैक्सिमम है ये फोर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बाइंड करती है इट मीन्स ये एक डाइवर्स मालिकल बनाने की साहियत रखती है सो कार्बन साइकिल अगर हम कार्बन साइकिल को देखें कोई भी जो बायोलॉजिकल साइकिल्स जब हैं जो स्पेशली जो जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं डिफरेंट मिनरल्स के मटेरियल्स के जो साइकल्स हैं इसमें आम तौर पर एक वो चीज़ होती है जहाँ वो मेन एलिमेंट या मटेरियल स्टोर रहता है जिसको हम रेजर वायर का नाम देते हैं रेजर वायर से ही चीज़ें यूटिलाइज होती हैं और अल्टीमेटली फिर उसी रेजर वायर का आकर हिस्सा बन जाती हैं इस तरह से कार्बन के रेजरवायर की अगर बात करें तो एटमोसफियर एयर जो है इट इज़ द रेजरवायर ऑफ कार्बन और इस रेजरवायर के अंदर द कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमोसफियर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो कि कार्बन का क्या है एक रेजरवायर है सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो जब भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने इस कार्बन को एनिमल्स की बॉडी के अंदर आएगी जब वो उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन होगी कार्बन की तो अगेन कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वापस इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन है इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाती है तो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं पेप्सी कोक के अंदर क्या है मैक्सिमम उसके अंदर क्या है कार्बोनेटेड उसके कहते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनेट कार्बोनेट की फॉर्म में जो है मौजूद होती है तो इस तरह से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हैव एबिलिटी टू बी टू डिजोल्व इन टू द वाटर वाटर के अंदर ये सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होती है तो एक्वेटिक लाइफ को एल जी अगर मौजूद है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में अवेलेबल होगी अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही वाटर में डिजोल्व होती है तो इट रिएक्ट्स विद वाटर मालिक्यूल्स एंड फार्म द कार्बोनिक एसड ये वाटर इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होने की एक रीज़न ये भी है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और इसके साथ क्या करें वाटर और कार्बन डाईआक्साइड आप उसमें रिएक्ट करके कार्बोनिक एसड बना देते हैं कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन करके कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन करेगा और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा तो इस तरह से कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है जो कि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी से बनता है अच्छा एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर यानी अगर हम देखें तो जो कार्बोनिक एसिड अवेलेबल है लेकिन अगर सम टाइम जो होता है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वो कार्बोनेट्स की फार्म में कन्वर्ट हो जाती है ये कार्बोनेट्स नॉर्मली हमारे पास जो है वो डिफरेंट शेल्स ऑफ एनिमल्स में मौजूद होते हैं जैसे अगर हम देखें मोलसक्स के शेल्स हैं अकाइनोडरमिट्स का एंडोस्केलेटन जो है इस तरह से जो कोरल्स हैं तो ये जितने भी कोरल्स हैं या कोरल रीव्स जो बड़े बड़े बने हुए हैं ये बेसिकली क्या है कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं तो कार्बन की कुछ अमाउंट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में एक्वेटिक बॉडीज के अंदर कैप्चर हो जाती है हम क्या कहते हैं इसको लॉक हो जाती है सो so, अब ये जब तक कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो, कर्ण, जो है वहाँ लॉक रहेगी आफ्टर लॉन्ग टाइम जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स जो हैं वैन दे आर एक्सपोज डिपॉजिट्स हो जाती है आमतौर तो पर जो होती है सेलिमेंट्री रॉक में कैल्शियम कार्बोनेट बैठ जाता है जब ये किसी न ने किसी नेचुरल कैटास्ट्रोफ की वजह से या सेलिमेंट्री रॉक्स के ऊपर से जब वाटर कहीं ड्राई हो जाता है तो दैन दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्सपोज आज अब ये एक्सपोज होगा तो फिर क्या होगा कि इस कैल्शियम कार्बोनेट से दोबारा इसकी विदरिंग स्टार्ट होगी ब्रेकडाउन होगी जिससे क्या होगा कि वापस दोबारा से जो होता है वो जो होगा एटमोसफियरिक कार्बन डाईआक्साइड जो वो रिलीज होना शुरू होती है अच्छा ये जितने भी हमारे पास लाइम है यानी चूना है या फिर मार्बल है ये बेसिकली जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही फार्म है यानी कि इसकी ये कैल्शियम और कार्बन डाईआक्साइड की जो है वो डप, आपस में रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट है जो डिपोजिटेड फॉर्म में मौजूद है सम ऑफ द कार्बन इज आल्सो डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉसल फ्यूल्स अगर हम बात करें कार्ण जो कार्बन है तो कार्बन की कुछ अमाउंट वो है जो फॉसल फ्यूल की फॉर्म में अभी लॉकअप है अब ये फॉसल फ्यूल्स की अगर हम बात करें फॉसल फ्यूल्स जिसमें हमारे पास जो है वो मेनली नेचुरल गैस है ऑयल है और कोल है ये तीनों चीज़ें मौजूदा यानी कोयला है गैस है और तेल जो है वो जिसको हम यानी कि पेट्रोल डीजल वगैरह जो है तो ये सारे के सारे जो है वो दे आर एक्चुअली फॉसल फ्यूल्स फॉसल फ्यूल्स कैसे बने फॉसल फ्यूल्स के लिए जो हाइपोथेसिस है वो यही है कि ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड कार्बोनिफेरस पीरियड हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जब हम बात करते हैं तो कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर जो कि जिसकी अप्रोसीमेट लाइफ जो थी वो सिक्सटी फाइव मिलियन ईयर्स थी तो इस सिक्सटी फाइव मिलियन तक ये कार्बोनिफेरस पीरियड रहा इस दौरान जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते रहे कि वो बरी हो गए ज़्यादातर जो है वो डिपॉजिट की फॉर्म में या मर्द के अंदर क्या होते गए बरी होते चले गए और एन एरो कंडीशन की वजह से हाई प्रेशर की वजह से जो बरीड प्लांट्स और एनिमल्स थे दे आर कन्वर्टेड इन टू कोल एंड गैस एंड ऑयल कि वो फसल फ्यूल्स के अंदर फिर क्या होते गए हैं कन्वर्ट होते गए हैं अच्छा कार्बोनिफे पीरियड अगर हम देखें इसकी अपनी लेंथ सिक्स पॉइंट सिक्सटी फाइव मिलियन ईयर्स है लेकिन इसकी अगर हम वैसे पोजिशन हैं इट इज अबाउट टू एटी मिलियन ईयर्स अगो टू एटी मिलियन अगो जो है ये जहाँ वो मौजूद था अब फॉसल फ्यूल्स के अंदर जो कार्बन है वो अगर हम यूँ समझे कि दो सौ अस्सी मिलियन साल पहले वो कैप्चर हो गई थी अब जैसे जैसे हम फॉसल फ्यूल को यूटिलाइज कर रहे हैं दिस दिस कार्बन इज अगेन गोइंग बैक टू तो द एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड के का फॉर्म में ये वापस क्या करिए इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ वो जा रही है वैसे ये ये है डिफरेंट यानी कि इकोसिस्टम के अंदर कार्बन कहाँ कहाँ मौजूद है